मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम घई पर भारी पड़ेगा नई फिल्मों का जादू या सुभाष घई करेंगे मोहित सूरी से कम्पीट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। अगर कभी क्लासिकल डांस की बात आती है तो एक ही नाम है जिनसे डांस सीखने के लिए सारी एक्ट्रेसेस ख्वाब देखा करती थी, सरोज खान। अपने नाम की ही तरह उनकी अदाएं, डांस मूव सभी कातिलाना थे। 1990s की बहुत सी फिल्में जैसे तेजाब, खलनायक, मिस्टर इंडिया, नगीना, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, सभी में कई फेमस हीरोइंस के सॉन्ग इन्होंने ही कोरियोग्राफ किए थे। सरोज खान का स्टूडेंट बनना और उनकी जैसी अदाएं सीखना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, सरोज खान के जैसा इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कोरियोग्राफर नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके। उन्हें मास्टर जी नाम से भी जाना जाता था और वो पहली ऐसी कोरियोग्राफर थी जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था। फिल्म खलनायक में भी उन्होंने अपने स्टूडेंट माधुरी दीक्षित को चोली के पीछे सॉन्ग कोरियोग्राफ किया था। इस बार इस सीक्वल में मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे कोरियोग्राफर्स शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, 1993 में आई खलनायक फिल्म ने कई प्रॉब्लम्स के बाद भी एक खलनायक की तरह इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया और इस फिल्म की सक्सेस के पीछे सुभाष घई के डेडिकेशन का हाथ है। उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी को कुछ हटके बनाने के लिए कई स्क्रिप्ट्स, कास्टिंग की प्रॉब्लम्स, बजट सब में मैनेज किया और यही रीजन है कि ये फिल्म 1993 की सेकंड ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और इसके सॉन्ग्स के साथ साथ फिल्म की कोरियोग्राफी, सिंगिंग सब ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए थे। दोस्तों, सुभाष घई को 90s के फेमस प्रोड्यूसर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने 32 फिल्मों पर काम किया है और सभी काफी सुपरहिट रही हैं। दोस्तों, अब ये 90s का जैसा जादू आज भी सेम रहता है या नहीं, अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों की अगर बात करें तो इतने सालों में सब कुछ काफी बदल गया है। नए प्रोड्यूसर्स, कॉन्सेप्ट्स, नई ऑडियंस, सभी की अलग अलग डिमांड्स है। रोमांटिक फिल्मों में मोहित सूरी ने भी काफी नाम कमाया है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो जरूर कम हो सकता है पर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और स्क्रिप्ट के मैटर में वो सुभाष घई को भी बड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब देखना यह है कि कहीं मोहित सूरी की ब्लॉकबस्टर सीक्वल्स, कहीं सुभाष घई के 90s सीक्वल्स और पुराने कॉन्सेप्ट पर भारी न पड़ जाएं। दोनों प्रोड्यूसर्स की अपकमिंग फिल्म्स आशिकी 3 और खलनायक 2 में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर है नेहा,